दादा भाई और बहनों, आदरणीय साथियों, आज पूरी हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने तीन सफलता के साथ 3 वर्ष पूरे किए। उसके अवसर पर हम आप सब भूपेश बघेल जी को बधाई देते हैं कि जो भी यहाँ विकास के काम हुए हैं, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे महाविद्यालय के भवन की व्यवस्था हो, सब भूपेश बघेल जी की देन है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मतदाता भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी तरह पूरा वातावरण कांग्रेस में है, सब जगह कांग्रेस की लहर चल रही है। ये कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए और उनसे खूब विकास काम कराइए। ऐसे लोग जिनको जो सरकार में नहीं है, वो फंड कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से मिलेगा? कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के जाएगा, सीधा मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के फंड लाएगा, पैसा लाएगा। इतना करके मैं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यस्त कार्यक्रम है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद जय हिंद, जय जवान। ऐतिहासिक मैदान खचाखच भरा हुआ है। कांग्रेस के साथी और मतदाताओं में भारी उत्साह है। 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को मतगणना। 40 के 40 वार्ड कांग्रेस की झोली में आने वाले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एक जोरदार नारा आप सब लगाएंगे मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी में उपस्थित समिति के अध्यक्ष आदरणीय भाई मोतीलाल देवांगन जी, आदरणीय भैया सुरेंद्र शर्मा जी, करण शर्मा जी, आरती सिंह जी, श्रीवास्तव जी, सतनाम पनाह जी, मोहन वर्मा जी और हमारे इस भाई के जवाब साथी बग्गा जी और साथ ही ये पूरा कार्यक्रम जो संचालन कर रहे हैं भाई पंकज शर्मा जी, हमारे प्रत्याशी इधर मंच में बैठे हैं, वार्ड नंबर 1 से खड़े होंगे, बहन नीता विश्वकर्मा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें आप।
उसी प्रकार से वार्ड नंबर 2 से उबार दास बंजारे जी, कहा उबार दास जी, तीसरे नंबर श्री साहू जी, पुष्पा यादव जी, भला सिंह साहू जी, राजवती निषाद जी, कृपा राम निषाद जी, कृष्णा नौरंगे जी और भारती और कविता पुष्पा तो उधर मिल चुके थे, ओम प्रकाश और योगेश सोलंकी इधर आए हैं क्या? वाह योगेश भैया भी आए हैं। यहाँ भी श्रीमती शांति वर्मा वार्ड नंबर 20 से, 21 से हेमचंद्रानी गोस्वामी, ईश्वर प्रसाद बंजारे, 22 नंबर से, 23 नंबर से रोशन वर्मा, 24 से टिकेन्द्र सिंह, 25 से नंदलाल देवांगन, 26 से श्रीमती सरोज कुर्रे और 27 से दिलदार कुमरे। ये दिलदार कहाँ है भाई? नीचे खड़ा दिलदार हमारा, जोरदार ताली बजाइए दिलदार के लिए। भाई इकराम अहमद हमारे पुराने साथी, मोहम्मद रियाज, डॉक्टर विनोद वर्मा, भाई जगदीश वर्मा, अरुण सेन भी है, कहाँ है? ये जोरदार ताली लगाओ इस सेन का आपके लिए। खान रुक्मणी सिन्हा, जगमोहन साहू, संतोष अशोक साहू, भाई राजा राम देवानंद, खान रुक्मणी साहू, कुमारी भाई साहू, विशाखा साहू और लखनलाल साहू जी। आदरणीय साथियों, चुनाव पूरे जोश पे है। गिरगांव में अभी हमारे बहुत सारे साथी कार्यकर्ता चुनाव में हैं, चुनाव प्रचार में लगे हैं, प्रत्याशी के रूप में लगे हैं। मैं देख रहा हूं इधर पप्पू बंजारे भी बैठे हैं, श्री श्री ठाकुर भी है, सीमा वर्मा भी कहीं दिखाई दी थी, बहुत सारे साथी हैं जो रायपुर नगर निगम के भी लोग भी यहाँ चुनाव प्रचार करने आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों। आदरणीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, 3 साल में भी कुछ नहीं किया। जब कोरोना आया था, जब लोग घर छोड़ के सड़कों पर उतर आए थे, अपने अपने घर जा रहे थे, गांव जा रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता आपके पास आया था? कौन खड़ा था? ये खड़े थे सत्यनारायण शर्मा जी आपके साथ, पंकज शर्मा जी खड़े थे, ये हमारे पार्षद प्रत्याशी है, वो सब आपके लिए खड़े थे, ये उधर वर्मा खड़े थे, हमारे सब साथी खड़े थे। ये आपके दुख राशन पहुंचाने का काम कांग्रेसियों ने किया, आपके दवाई पहुंचाने का काम सत्तू भैया के साथियों ने किया, इलाज कराना था तब सत्तू भैया आपके साथ खड़े थे। अरे सिलेंडर नहीं था, पूरे देश में सिलेंडर से ऑक्सीजन के कारण से लोगों की मौत हो रही थी, सिलेंडर पहुंचाने का काम किया इस गांव में तो भाई सत्यनारायण शर्मा जी उसके साथ ही। आपके साथ एक परिवार का रिश्ता, भाईचारा का रिश्ता, एक आत्मीय संबंध आपके साथ। जब भी सत्यनारायण भैया मिलते थे, बंगला जाते सीएम हाउस में मिलते थे, मैं पूछता हूँ कहाँ से आ रहे हैं, वो कहते थे गिरगांव से आ रहा हूँ। फिर कभी जाते हैं मिल जाते थे, फिर पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, वो कहते थे गिरगांव जा रहा हूँ। और मैं कहता था भैया सब तरफ कोरोना फैला है, बहुत सघन बस्ती है, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो बोले जनता से बड़ा कुछ नहीं है, वही मेरे भगवान है, वही मेरे देवता, उसकी सेवा करना मुझे जाना है।
सतनारायण शर्मा जी आपके सुख में दुख में खड़े थे, हमारे संगठन के साथी भाई उदो वर्मा पूरी टीम आपके सुख दुख में खड़े थे, और आज चुनाव में ये सत्तू भैया उदो भैया के सब सिपाही लोग खड़े, सब लोग खड़े हो जाए, एक बार जोरदार ताली बजा के इनको आशीर्वाद दीजिए। ये हमारे उदो भाई के सत्तू भैया के पंकज भैया के सिपाही हैं, ये आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो क्या फिर गांव में इनको आशीर्वाद देंगे? देंगे के ताली बजा के, हाथ उठा के ताली बजा के इनको आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय साथियों, 3 साल हमारे सरकार के हो गए, आज सत्तू भैया ने यहाँ केक मंगवाया था, 3 साल पूरे होने पे केक कटवाया। क्यों? हमारी सरकार ने विपरीत परिस्थिति में किसानों के साथ खड़े रहे, मजदूरों के साथ खड़े रहे, युवाओं के साथ खड़े रहे, माताओं बहनों के साथ खड़े रहे। ये सरकार है वो गरीबों की सरकार, ये सरकार किसानों की सरकार, ये सरकार मजदूरों की सरकार, ये हमारी माताओं बहनों की सरकार। इस सरकार में जहां 400 बिजली आधा देने का काम किया, 35 किलो चावल हर परिवार को देने का काम किया, इस बिरगांव में जल आवर्धन के 104 करोड़ के घर घर में पानी पहुंचाने का संकल्प भी आज पूरा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते हैं 3 साल में कुछ नहीं किया। भैया हमने कुछ नहीं किया, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब तो जनता देगी। और जनता के साथ साथ वो दिल्ली में उनके आंका बैठे हुए हैं, वो हर चीज में हमको पुरस्कार दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ जंगल में जाओ तो 11 पुरस्कार वन विभाग को, 11 पुरस्कार। पंचायत में जाओ तो वहां पुरस्कार, स्वास्थ्य महिला विभाग के देखे उसमें पुरस्कार, आज वो पुलिस विभाग में भी पुरस्कार, और नगरीय प्रशासन में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल हमारे सरकार को 3 साल हुआ, तीनों बार सबसे स्वच्छतम प्रदेश का पुरस्कार यदि किसी को मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला है। ये पुरस्कार भूपेश बघेल को नहीं मिला, ये पुरस्कार सत्यनारायण को नहीं मिला, ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो जनता जनार्दन है जिन्होंने पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखा, ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ के जनता को है, ये पुरस्कार उनका है। तो हम सब ने मिलकर इस प्रदेश को स्वच्छतम प्रदेश बनाया है, हम सब ने मिलकर कोरोना को यहां से भगाया है, उस संकट में भी हम सब एकजुट रहे और पूरी ताकत के साथ कोरोना से लड़े। तो आज ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, बिरगांव के मतदाताओं की लड़ाई है। दूसरे तरफ एक नौरंगी है, और एक तरफ ये पूरे बिरगांव के हमारी माताएं बहने युवा साथी बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, ये तो केवल निमित्त मात्र हैं, ये प्रत्याशी हैं, लेकिन असली लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है। और मुझे मालूम है कि आने वाले 20 तारीख को पंजाब में मोहर लगेगा। आदरणीय साथियों, यहाँ के विकास के लिए सत्यनारायण जी हमेशा मुझसे कहते रहते हैं 149 करोड़ के विकास कार्य, और भी विकास कार्य हमको करने हैं। अब तो कोरोना समाप्त हुआ है, और तेजी से होगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा भी गांव में। अग्निशमन केंद्र की भी मांग सत्यनारायण जी के तरफ से आया है, औद्योगिक क्षेत्र है,
अग्निशमन केंद्र भी खुलना चाहिए, यहाँ अस्पताल भी खोलना चाहिए ताकि लोगों के इलाज दूर नहीं जाना पड़े। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो अभी नाम पढ़ रहा था ना, मैं ये 40 लोगों को नाम पढ़ा, पहली बार सत्तू भैया बड़ा बहुत मेहनत किए हैं सोशल इंजीनियरिंग करके, साहू समाज को, भूमि समाज को, विश्वकर्मा समाज को, सतनामी समाज को, और तो सेन समाज को भी एक टिकट दिए, सब खोज खोज के, निषाद समाज को दो टिकट, हाँ जी, यादव को भी टिकट, सिन्हा को भी टिकट, देवांगन को भी टिकट, जय देवांगन जय महाजन, मुस्लिम समाज को, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो बेगाम रहता है, उसका प्रतिनिधि यहां ना। तो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया है, ये सोशल इंजीनियरिंग ऐसा बांध दिया है ना सत्तू भैया कि उसके अलावा कोई चारा नहीं, यहाँ कांग्रेस की बहुमत आएगी और महापौर भी पिछड़े वर्ग का बनेगा। आपने उस प्रकार से टिकट बांटी है तो इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं बनेगा, तो पिछड़े वर्ग का है, 80% से ज्यादा मतदाता पिछड़े वर्ग के हैं। और सत्तू भैया ने आप सबको सम्मान दिया है, आप सबसे अपील करते हुए आने वाले 20 तारीख को पंजा में मुहर लगाकर इन प्रत्याशियों को आशीर्वाद दीजिएगा, सत्तू भैया को समर्थन दीजिएगा और हम सबको जो काम कर रहे हैं उसका हौसला अफजाई करिएगा, यही निवेदन करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी से विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोनों हाथ उठा के भूपेश बघेल जी वादा करता हूँ कि एक एक वोट कांग्रेस में देना है, जीतेगी भाई जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आज हम बहुत ही धन्यवाद देवाधन आदरणीय भूपेश बघेल जी ला। और आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बिरगांव की जनता को आश्वस्त किया है कि आप कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनाइए और महापौर हमारा पिछड़ा वर्ग से होगा। ये बहुत बड़ी मतलब बात जो भ्रम फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो आज भ्रम लोगों के सामने आ गया कि हमारी पार्टी का जो मंशा है वो क्या है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से भ्रामक प्रचार करती है, गलत गलत बातें करती है। आज मुख्यमंत्री जी ने बिरगांव की जनता को बता दिया कि एक साल में जितना निर्माण कार्य हुए हैं, जितना चाहे जलावर्धन हो चाहे कॉलेज की स्थापना हो, इन सारे बातों को बताया। पिछले जो महापौर थे वो भारतीय जनता पार्टी की थी, अंबिका यादव थी, उनके कार्यकाल में उनको जो है वो कोई भी कार्य नहीं किया, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्षद तक लड़ाने से इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर से जो सरकार कांग्रेस की है और सरकार की योजना जो धरातल पर दिख रही है, इस उम्मीद के साथ बिरगांव की जनता से हम वोट मांगने जा रहे हैं। हमारे साथ सत्यनारायण शर्मा जी यहाँ के प्रभारी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप बिरगांव चुनाव आज जो मुख्यमंत्री जी आप यहाँ पे आए थे और संजीवनी बनकर यहाँ से लौटे हैं, सर जानना चाहेंगे यहाँ पे कि जो छत्तीसगढ़ में जी नगरी का चुनाव है, जो बिरगांव की स्थिति क्या है? बिरगांव की स्थिति बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, जन सैलाब उमड़ा, कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी दिखाई नहीं देती, कांग्रेस का बहुमत आएगा, कांग्रेस का मेयर बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिया कि ओबीसी का मेयर बनेगा और जो योग्य उम्मीदवार उसको मेयर बनाया जाएगा, पार्टी फैसला करेगी। और हर वार्ड में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, कुछ लोग वोट काटने के लिए खड़े जरूर होंगे लेकिन उनको निराशा के अलावा कुछ कुछ याद नहीं लगेगी। जिसकी सरकार रहती है वही काम करा सकती है, जनता इस बात को जानती है। मुख्य मुद्दे यहाँ पे आप लोग किस मुद्दे? विकास के मुद्दे हैं, जो भी विकास काम यहाँ होने हैं सब विकास काम कराए जाएंगे।